वेलकम बच्चों, ये वीडियो क्लास 11th के फिजिक्स की वीडियो है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चा आप लेसन नंबर 2 यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। अब तक बच्चों हमने आपको फंडामेंटल एंड ड्राइविंग यूनिट के बारे में बताया था। जो नहीं देखी है वो इस पर नोट कर सकते हैं और पिछली वीडियो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और बच्चों हमने इसमें बताया था आपको फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स में CGS, MKS, FPS थे और SI सिस्टम की ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इन SI सिस्टम। आज बात करेंगे बच्चों हम लोग एरर। देखिए कल की वीडियो में हमने कुछ आपको कन्वर्जन बताए थे कि मीटर पर किलोमीटर में ये डिफरेंट टाइप सिखाए थे, वो देख लिए होंगे आपने। अब देखते हैं एरर। एरर किसे कहते हैं? जैसा कि बच्चों लिखा हुआ है, द लैक इन एक्यूरेसी ऑफ ऑल मेजरमेंट ड्यू टू द लिमिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट द क्वालिटी क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। बच्चों जब हम नापते हैं किसी चीज़ को, मेजरमेंट करते हैं, उसके नापने में हुई गलती वो कहलाती है एरर। ठीक है, यानी लैक ऑफ एक्यूरेसी। भाई जब एक्यूरेसी सही ना हो उस समय नापने में क्या होता है, एक त्रुटि आ जाती है, उस त्रुटि कहते हैं हम लोग एरर। अब एरर कई प्रकार की होती है, दे आर मैनी टाइप ऑफ एरर। कौन कौन सी एरर होती समझते हैं यहाँ पर वो बच्चों आपकी एब्सोल्यूट एरर, जीपी एरर यानी ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर, मार्जिन एरर, मेजरमेंट लोकेशन एरर, ऑपरेशन एरर, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर। ये 8 टाइप की एरर की डेफिनेशन याद रखनी है। और जो आप काम में आने वाली हैं वह बच्चों एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एरर, जिनके ऊपर आप न्यूमेरिकल आगे पढ़ेंगे। बच्चों अब करना क्या है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं हमारी वो अपनी अटेंडेंस लगा दें, अपना नाम और सेक्शन लिखे कमेंट बॉक्स में डाल दें। एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं बच्चों? द अमाउंट ऑफ एरर इन योर मेजरमेंट। देखिए बच्चों यहाँ समझिए, द अमाउंट ऑफ एरर इन योर मेजरमेंट, जब नापने में त्रुटि होती है उस एरर को कहते हैं बच्चों हम लोग एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जांपल, इफ योर स्टेप ऑन स्केल इट से 150 पाउंड बट यू नो ट्रू वैल्यू इज 145 पाउंड, देन स्केल हैज एब्सोल्यूट एरर इज 150 माइनस 45 LVS इज इक्वल टू 5 LVS। बच्चों इसमें बताया हुआ है जब आप किसी को स्केल से नापते हैं वो 150 पाउंड आती है और आपको उसकी ट्रू वैल्यू पता है कितनी है, 145 है, तो यानी ट्रू वैल्यू में से क्या करें हम लोग, ट्रू वैल्यू में से जो वैल्यू पता है उसको हम लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू को ट्रू वैल्यू में से लेस कर दो, जो एरर आएगी वो आएगी बच्चों आपकी एब्सोल्यूट एरर। यानी जो आपने मेज़र की कितनी की, 150, ट्रू वैल्यू कितनी थी उसकी 145, एरर कितनी आ गई 5। ये 5 आएगा बच्चों, ये है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एग्जैक्टली समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है बच्चों ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर। लिखा हुआ है समझना, यहाँ पर डिफाइंड एज 1/2 ऑफ मेजरिंग यूनिट, डिफाइंड एज 1/2 ऑफ मेजर यूनिट, नापी हुई चीज़ का आधा वो होती है ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एज ए रूलर दैट मेजर इन होल यार्ड्स, आप पूरे इसको यार्ड को नापते हो, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इज़ 1/2 यार्ड। यानी जब हम एक यार्ड को नापेंगे उसमें जो मैक्सिमम एरर आएगी वो आएगी कितनी, 1/2 यार्ड। ठीक है ना, 1/2 यार्ड, इससे ज़्यादा पॉसिबल एरर नहीं हो सकती। अब इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होती है? जब हम लोग किसी, जब इंस्ट्रूमेंट में ही एरर हो जाए, त्रुटि हो जाए नापने में, उस एरर को कहेंगे हम लोग इंस्ट्रूमेंट एरर। एरर कॉज बाय इन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, जब इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्यूरेट नहीं होता उस एरर को कहते हैं बच्चों हम लोग इंस्ट्रूमेंट एरर। लाइक स्केल दैट इट ऑफ और पुअर वर्डेड, क्या हो स्केल टूट गया हो या पुअर वर्डेड हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ट्राइंग, मार्जिन ऑफ एरर एन अमाउंट ऑफ अबव और बिलो। ये मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है? जब कोई ऐसी क्वांटिटी मिल जाए जो हमारे जिस चीज़ से मेजर कर रहे हैं उसे छोटी हो या उससे बड़ी हो।
उस एरर को कहते हैं बच्चों हम लोग मार्जिन ऑफ एरर। मेजरमेंट लोकेशन एरर, मेजरमेंट लोकेशन एरर कॉज बाय इंस्ट्रूमेंट बीइंग प्लेस बिटवीन प्लेस समवेयर शुड नॉट लाइक थर्मोमीटर लेफ्ट आउट इन फुल ऑफ सन। बच्चों यानी जब हम किसी चीज़ की लोकेशन नापने के लिए लोकेशन पता ही नहीं कर सकते उसको कहते हैं हम लोग मेजरमेंट लोकेशन फॉर एरर। जैसे लाइक थर्मामीटर लेफ्ट आउट ऑफ इन फुल ऑफ सन की नापने के लिए सन का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर कहाँ रखा जाए। ऑपरेटर एरर ह्यूमन फैक्टर कॉज ऑफ एरर। देखिए मानव फैक्टर जो होता है वो गलतियों का होता है। लाइक हमने कहीं कोई रीडिंग अगर हमने किसी मेजरमेंट नापा वो 145 आया और गलती से 146 पढ़ लिया तो इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग ऑपरेटर एरर कहते हैं। जो पढ़ने में गलती हुई है इस प्रकार की एरर कहा जाएगा ऑपरेटर एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है जो हमने वैल्यू मेजर्ड की वैल्यू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू तो वो जो एरर होगी वो क्या होगी बच्चों इनटू 100 वो एरर आई है आपकी परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर क्या होगी बच्चों एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड एरर इज कॉल्ड अ रिलेटिव एरर। तो ये तो बच्चों आज के लिए इतना ही और कल को हम पढ़ेंगे इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यानी एरर को किस प्रकार जोड़ा जाए। अगर वीडियो समझ में नहीं आती है बच्चों आपको दोबारा में आप मैसेज डाल दीजिए दोबारा समझा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।